Hello guys, welcome to Unacademy Studios Bridge. Previous year questions की इस series को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपने already मेरे axial loading वाले previous year questions के solutions देखे हैं, then you can continue from here. अगर आपने नहीं देखे हैं, तो मैं आपको recommend करूँगा कि chapter wise आप complete करते चलें, तो आपको बहुत benefit मिलने वाला है. Because 90 से ज़्यादा batches मैं अभी तक mechanics of solids के ले चुका हूँ, तो मैं आपको exact pattern बताने वाला हूँ, exact boundary बताने वाला हूँ कि कौन से concepts आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो आप gate का कोई भी problem हो, आराम से approach कर सकोगे. So अभी हम torsional loading की बात करने वाले हैं. Torsional loading में previous year questions जो भी हैं, उनको मैं step by step solve करूँगा. और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में फर्दर वेरिएशंस क्या हो सकते हैं. लाइक सिर्फ मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूं इस वीडियो में कि ये सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है और मैं सारे प्रॉब्लम्स इसी सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स से सॉल्व करूंगा. नंबर वन. नंबर टू, मैं आपको फर्दर पॉसिबिलिटीज भी बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, इस क्वेश्चन में फर्दर वेरिएशंस इस तरह के हो सकते थे, तो ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा. लेट अस गो अहेड. जस्ट इन केस अगर आप मुझे पहली बार अटेंड कर रहे हो, आई एम मारुत तिवारी. आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड आई बीन अ रेसिपिएंट ऑफ मल्टीपल अवार्ड्स देयर. आई क्रैक्ड गेट मल्टीपल टाइम्स एंड आई एम ऑल्सो एन ऑथर. मैंने एक बुक ऑथर की है, गेट इन 75 डेज, विद यू नो अ पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन सिंगेज लर्निंग. आप इस लिंक पर जाकर मेरी बुक चेकआउट कर सकते हो एंड इट्स यू नो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. आई मीन आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट और समथिंग. आप रिव्यूज वगैरह देखोगे अमेजॉन पे एंड फ्लिपकार्ट पे एंड यू जस्ट गूगल अबाउट इट एंड यू विल गेट टू नो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एंड इट हैज बीन सोल्ड इन टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज फॉर गेट 2019 एंड ऑल्सो फॉर गेट 2020. यू कैन फॉलो मी. You can follow me on Unacademy by clicking on this particular link. You can go to this link and you can follow me for all the courses that I'm going to teach on Unacademy platform. So this is about me. Unacademy is having one of the best pool of educators and you are welcome to, you know, learn about all these educators and learn from all these educators. There are so many features. I mean, if we talk about Unacademy, ki Unacademy क्यों, तो बहुत सारे reasons हैं, बहुत सारे motivations हैं, और मैं आपको you know number of reasons बता सकता हूँ. I can spend hours in telling you why Unacademy. But मेरे हिसाब से, मेरे point of view से, तीन ऐसी बातें हैं जो Unacademy को सबसे अलग करते हैं और Unacademy बेस्ट है आपके लिए. मतलब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विन विन सिचुएशन है. क्यों? क्योंकि नंबर वन, जो आपको किसी भी कन्वेंशनल क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम में नहीं मिलता है वो ये दैट आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं. लाइक आप कौन से एजुकेटर से कौन सा कोर्स सीखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है. ऑलराइट, आपको एक एजुकेटर से अगर फ्रीक्वेंसी सेट होती है, अगर आपको एक एजुकेटर का बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप उसकी मल्टीपल कोर्सेस फॉलो कर सकते हो. यू कैन फॉलो मल्टीपल कोर्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एजुकेटर एंड ये पूरी तरह से आप पे है. लेकिन मैंने बोला आपको कि ये एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा डिस्टिंक्ट एडवांटेज है Unacademy का जो किसी भी और प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, कि आपके पास एक यू नो एम्पावरमेंट है, एक फ्रीडम है सेलेक्ट करने की कि कौन से एजुकेटर से आपको कौन सा कोर्स फॉलो करना है. एंड देन गेट सीखने के लिए प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेटफॉर्म Unacademy इज एज ऑफ नाउ. आप फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कौन सा कोर्स कब करने वाले हो. आप इंग्लिश में अटेंड कर सकते हो सेशंस या फिर हिंदी वाले सेशंस अटेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम ऑफ योर कन्वीनियंस. एंड आप जितनी बार भी देखना चाहो, जितनी बार भी, जस्ट इन केस अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आप वर्किंग हो, तो ऐसा हो सकता है कभी कि आपसे एक सेशन मिस हो जाए, तो यहां पर चिंता की कोई बात नहीं है. आप यू नो, और कई बार ऐसा भी होता है, चलो मिस हो जाना एक चीज होती है,
बाद में आप देख सकते हो। दूसरा एक पॉसिबिलिटी और होती है कि आपको कोई भी फ्यूचर टॉपिक पढ़ना है लेकिन आपने उसका कोई एक यू नो प्रेडिसेसर था, उसका एक ऐसा टॉपिक है पीछे जिसकी हेल्प से ही आप अगला टॉपिक पढ़ पाओगे, तो उसको जाके आप रिकैपिचुलेट कर सकते हो, उसको जाके आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो सो दैट आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ने में मदद मिले। तो यहां पर ये यू नो डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं जो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए सब्सक्राइब करते हो देन जो लर्निंग स्क्रीन होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लैंडस्केप मोड में, जिसमें 70% to 80% ऑफ द विंडो इज ऑक्यूपाइड बाय द कंटेंट। देन एक साइड विंडो में आपको एजुकेटर दिखता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी कन्वीनियंस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद आपको रियल क्लासरूम लाइक फीलिंग आती है। वाई? बिकॉज आप चैट कर सकते हो, आप क्वेरीज आपके रेज कर सकते हो, जब भी एजुकेटर आपको लाइक यू नो 10 मिनट 15 मिनट का टॉपिक डिस्क्राइब करने के बाद वो क्वेश्चंस के लिए यू नो एक हमारी तरफ से एजुकेटर की तरफ से एक परमिशन होती है क्वेश्चन के लिए, तो जब भी हम क्वेश्चंस एक्टिवेट करते हैं तो आप आपके क्वेश्चंस रेज कर सकते हो एंड देन वी कैन आंसर देम इन रियल टाइम। वी कैन ऑल्सो कंडक्ट एज एन एजुकेटर वी कैन कंडक्ट इंटरैक्टिव पोल्स जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप जज कर सकते हो। लेकिन 10-15 मिनट मैंने आपको सिखाया, 10-15 मिनट सिखाने के बाद मैं उन 10-15 मिनट में जो भी मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया है उस पे बेस्ड कुछ इवैल्यूएटिंग क्वेश्चंस में रेज कर सकता हूं, मैं फ्लोट कर सकता हूं, और उसमें आप पार्टिसिपेट करके जज कर सकते हो कि आपकी लर्निंग कितनी अप्रोप्रिएट है। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स यू कैन लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर, दैट इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट एडवांटेज। सो एज आई सेड दैट बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको दे सकता हूं अनअकैडमी के थ्रू आपकी गेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। पर्टिकुलरली मेरे वो दोस्त जो गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं देन लेट मी टेल यू दिस दैट 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद आई कैन टेल यू दिस दैट इससे बेटर और इससे कॉस्ट इफेक्टिव और इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो देन अनअकैडमी इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू हैव हैपेंड। और टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से चीजें आसान हो रही हैं, किस तरह से चीजें यू नो कन्वीनियंट हो रही हैं, जिसमें अल्टीमेट बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है। यहां पर अनलाइक कन्वेंशनल क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम्स, यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास यू नो एक रिजिड पैकेज है वही ऑप्ट करना है आपको। आप मंथली पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हो, आप 3 मंथ्स का पैकेज या फिर 6 मंथ्स का पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। अगर आप 24 मंथ्स का पैकेज सब्सक्राइब करते हो देन इट इज अवेलेबल एट वन टाइम पेमेंट, वन टाइम फीस ऑफ 40,000 एंड 40,000 डिवाइडेड बाय 24 इट कम्स डाउन टू जस्ट 1667 रुपीस पर मंथ। ऑलराइट, इट इज एज सिंपल एज इट कुड बी। सो 1667 रुपीस पर मंथ, इनफैक्ट इसको आप और भी नीचे ला सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एमटी लाइव देन 40,000 में आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, 40,000 में आपको 4,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है एंड यू गेट टू पे ऑनली 36,000 रुपीस। सो 36,000 अगर आप कोड अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको ये 2 साल के पैकेज की कॉस्ट देनी होती है 36,000 रुपीस, और ये आ जाता है जस्ट 1500 रुपीस पर मंथ। दिस कम्स डाउन टू 1500 रुपीस पर मंथ। दिस यू कैन सी इज अनमैचेबल, इज अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, और अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप वहां पर कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल होंगी, आप स्पेशल क्लासेस देखो और उसके बाद आपको खुद ही यकीन होगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं ये डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस किस तरह से आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको गेट को सेलेक्ट करना है एज अ गोल, आपके गोल चूज करने होते हैं आपको। अनअकैडमी इज टुडे वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स इन 30+ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स,
सो आपको गेट सेलेक्ट करना होता है गूगल में और उसके बाद आपके सामने वो पैकेजेस होते हैं. बट एज आई सेड बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल होती हैं, आपको यू नो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी कोई स्पेशल क्लास अवेलेबल है. तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल होती हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन. आई वुड रिकमेंड यू, वैसे अनअकैडमी पे आप ब्लाइंडली अभी ट्रस्ट कर सकते हो, बट जस्ट इन केस अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो दैट हाउ अ क्लास इज गोइंग टू लुक लाइक ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन माय डियर फ्रेंड्स आई वुड रिकमेंड यू दैट आप ऐप इंस्टॉल करो और उसके बाद साइन अप करने के बाद कुछ स्पेशल क्लासेस अटेंड करो एंड देन यू विल कम टू नो, देन यू विल कम टू नो दैट हाउ इट इज रियली 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 गोइंग टू एंड it is sincerely going to help you in your gate preparation. Now coming to the topic, guys, jaisa ki aap jante ho hum torsional loading ke bare mein discuss karne wale hain aaj. Torsional loading mein jo bhi problems gate mein aaye hue hain, we are going to discuss about them. We are going to discuss about torsional loading and the problems that they asked in torsional loading स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 अप टू 2019. तो अभी इसमें आपको कुछ यू नो तीन चार बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी. सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि आप लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोड किस तरह से कैलकुलेट करोगे, लाइक किसी भी शाफ्ट पे या किसी भी रॉड पे अगर टॉर्सनल लोडिंग है तो किस तरह से आप लोड कैलकुलेट करने वाले हो. इफ यू हैव गॉट टॉर्सनल लोडिंग और ट्विस्टिंग मोमेंट एट एनी गिवन शाफ्ट, देन हाउ एग्जैक्टली लाइक ये है टॉर्सनल लोडिंग शाफ्ट पर, तो किस तरह से आप लोड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे किसी भी गिवन सेक्शन पर. किसी भी गिवन सेक्शन पर लोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सर किसी भी एक तरफ देखना है. आप चाहो तो लेफ्ट से कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो राइट से कैलकुलेट कर लो. इंटरेस्टिंगली एंड अमेजिंगली आपने अगर मेरे एक्सेल लोडिंग वाले सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको पता है कि वहां भी मैंने आपको यही सिखाया लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक तरफ, किसी भी एक तरफ, किसी भी एक तरफ आपको देखना है सर, और एक तरफ से आने वाले सारे लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट्स को सम अप करना है. ऑलराइट, तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा, इसमें एक साइन कन्वेंशन है छोटी सी जो आपको फॉलो करनी है. और वो साइन कन्वेंशन क्या है, वो साइन कन्वेंशन ये है कि आप आपके राइट हैंड फिंगर्स को ये टॉर्क के सेंस में रोटेट करोगे और अगर थंब सेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखे तो ट्विस्टिंग मोमेंट को नेगेटिव ट्रीट करोगे. ऑलराइट, सो राइट हैंड थंब अगर सेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखे तो आप ट्विस्टिंग मोमेंट को नेगेटिव ट्रीट करोगे और अगर सेक्शन से दूर जाता हुआ दिखे तो आप ट्विस्टिंग मोमेंट को पॉजिटिव ट्रीट करोगे. जस्ट लाइक एक्सेल लोडिंग में आपने टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव सीखा, सिमिलरली यहां भी अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को टॉर्क के सेंस में रोटेट करो और अगर राइट हैंड थंब आपको बाहर जाता हुआ दिखे, जैसे अगर मैं टॉर्क इस तरह से अप्लाई करता हूं तो अभी आप रोटेट करके देखो, आपके राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करके देखो, आपको थंब बाहर जाता हुआ दिखेगा. तो जब थंब बाहर जाता हुआ दिखेगा तो टॉर्सनल लोडिंग को पॉजिटिव ट्रीट करोगे. और अगर थंब अंदर आता हुआ दिखेगा, जैसे ये वाला, अगर थंब अंदर आता हुआ दिखेगा, राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड मत यूज करना सर, प्लीज यूज योर राइट हैंड ऑनली. सो अगर आप राइट हैंड रूल फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंटली आपको फिर राइट हैंड रूल ही फॉलो करना है. अगर थंब बाहर जाता हुआ दिखे तो पॉजिटिव और अगर थंब अंदर आता हुआ दिखे तो नेगेटिव ट्रीट करना है. ये तो हो गई पहली बात. दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो इस लोड की वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो शियर स्ट्रेस सर, जैसे कोई भी टॉर्सनली लोडेड मेंबर है तो उस टॉर्सनली लोडेड मेंबर पे आपने अगर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया है, यहां पर
if you have applied twisting moment like this, then my dear friends, is twisting moment ko resist karne ke liye, twisting moment ko resist karne ke liye kisi bhi section par ek, you know, resisting shear stress develop hoga, and wo resisting shear stress uniform nahi hoga, wo resisting shear stress r ke saath badhta jayega, jaise jaise aap center se dur jaoge, it is going to increase, it is going to be proportional to r. और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस टॉर्सन इक्वेशन एट एनी गिवन रेडियल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर. तो इस तरह से आप टाउ की वैल्यू किसी भी आर पे फाइंड आउट कर सकते हो, बट जनरली वी विल बी इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम वैल्यू. जनरली वी विल बी इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम वैल्यू टेकिंग प्लेस एट आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको याद रखना है सर, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको याद रखना है 16t by pi d cube, ये वैल्यू अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है तो, और अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, इफ इट इज अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन देन मैक्सिमम वैल्यू इज गोना बी 16t by pi d आउटर क्यूब 1 माइनस बीटा रेज टू 4 इफ इट इज अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन. तो मैं आपको फिर से बता दूं सर, दैट ये दो मेन बातें आपको याद रखनी है, एक तीसरी बात भी अभी आपको मैं बताऊंगा, बट फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर दूं मैं बहुत क्विकली. लोड कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, एक छोटी सी बात याद रखनी है जो मैंने आपको एक्सेल लोडिंग में भी बताई थी, और वो है आइदर साइड आइदर साइड आइदर साइड आइदर साइड. आप किसी भी सेक्शन पर कैलकुलेट कर रहे हो, उसके लेफ्ट या राइट, बॉटम या टॉप, किसी भी एक तरफ से आने वाले सारे मोमेंट्स को समअप करना है. समअप करते समय आपको साइन कन्वेंशन केयरफुली फॉलो करनी है. अगर थंब बाहर जा रहा है, अगर थंब सेक्शन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, अगर थंब सेक्शन की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव ट्विस्टिंग मोमेंट होगा. ऑल राइट, स्ट्रेस जो डेवलप होगा टॉर्सनल लोडिंग की वजह से या ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से, वो स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेस लीनियरली वेरी करेगा एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर. जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे वो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती रहेगी. ऑल राइट, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल से. यूजली हमारा इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम वैल्यू में, मैक्सिमम वैल्यू 16t बाई पाई डी क्यूब, अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है तो, अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 16t बाई पाई डी आउटर क्यूब 1 माइनस बीटा रेज टू 4. एंड हेयर इज वन लास्ट थिंग, हेयर इज वन लास्ट थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. जैसे आपने एक्सियल लोडिंग में देखा है डिफॉर्मेशन या फिर इलांगेशन, जिस तरह से आपने एक्सेल लोडिंग में इलांगेशन देखा है वैसे ही यहां पर एंगुलर डिफॉर्मेशंस होंगे, और इन एंगुलर डिफॉर्मेशंस को हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट. कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट? सर आप देखो यहां से सेकेंड और थर्ड पार्ट से, सेकेंड और थर्ड पार्ट ये टॉर्सन इक्वेशन है, और इस टॉर्सन इक्वेशन में अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा टी इंटू एल डिवाइडेड बाई जी इंटू जे, इसंट इट, टी इंटू एल डिवाइडेड बाई जी इंटू जे. ये तो एक तरीका हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड आउट करने का, बट वैसे गेट में कभी इस तरह के क्वेश्चंस जो अभी आगे बताने जा रहा हूं आपको, उस तरह के क्वेश्चंस गेट में कभी नहीं आए हैं, बट जस्ट इन केस अगर आपको कभी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ट्विस्टिंग मोमेंट या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शाफ्ट का डाया चेंज हो रहा हो, देन माई डियर फ्रेंड्स आप यही फार्मूला यूज करोगे, बट एक छोटे से लेंथ के लिए यूज करोगे. यू विल यूज दिस फार्मूला फॉर अ छोटू लेंथ एंड देन यू विल इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो आपको टीएल बाई जीजे याद रखना है, और ये याद रखना बहुत आसान है. क्यों बहुत आसान है सर? बिकॉज आपको, अगर आपने एक्सियल लोडिंग वाला सेशन अटेंड किया है, अगर आपने एक्सियल लोडिंग वाला सेशन अटेंड किया है सर, देन यू मस्ट रिमेंबर, लेट मी राइट इट हेयर, अगर आपने एक्सेल लोडिंग वाला सेशन अटेंड किया है तो आपको ध्यान होगा एक्सेल लोडिंग में मैंने डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको सिखाया,
एक्सियल लोडिंग में डिफॉर्मेशन या इलांगेशन का फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको पीएल बाई ई ए, और यहां टॉर्सनल लोडिंग में आपने डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या सीखा, यहां पर डिफॉर्मेशन है एंगुलर और एंगुलर डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है टीएल बाई जी जे. नाउ यू विल बी अमेज्ड बाय द स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी. इसलिए मैंने बोला आपको कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है जो आपको सीखने को मिलेंगे. जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन, एंड देन वहां पर मैं बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स कंडक्ट करने वाला हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के लिए भी, और एक क्रैश कोर्स कंडक्ट करने वाला हूं दिसंबर के अंदर अंदर ही. मैं दो क्रैश कोर्सेस कंडक्ट करने वाला हूं, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के लिए और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए. तो गाइज यहां पर आपके पास है लोड, लोड लेंथ, लेंथ मटीरियल प्रॉपर्टी, मटीरियल प्रॉपर्टी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी लीनियर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन. सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ स्ट्राइकिंगली सिमिलर इट इज. सो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, ये तीन बातें आप ध्यान रखोगे सर, देन यू गुड टू गो, देन आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. इस करंट सेशन में मैं वन मार्क प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं दो मार्क्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं जो भी टू मार्क्स प्रॉब्लम है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. दिस वन मार्क प्रॉब्लम दे आस्क्ड इन 2003 में ये वन मार्क प्रॉब्लम आया. मैं पहले प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर देता हूं आपको. एक शाफ्ट है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो है 240 मेगापास्कल. अभी ये कह रहे हैं कि अगर शाफ्ट का डाया डबल कर दिया जाए, इफ द शाफ्ट डाया इज डबल्ड, देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की बात हो रही है. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है 16T बाई पाई डी क्यूब सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मालूम है, यहां मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है, और वो भी कौन से शाफ्ट के लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए या हॉलो शाफ्ट के लिए. यहां पर सॉलिड शाफ्ट की बात हो रही है. तो सर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम है, 16T डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब. अभी दो सिनेरियोस आपको गिवन है, तो यहां से हम रेशियो ले सकते हैं दोनों सिनेरियोस के लिए, क्योंकि टॉर्क को सेम रखा गया है, सेम टॉर्क अप्लाई किया गया है, ये गिवन है. तो टॉर्क कैंसिल हो जाएगा अगर हम रेशियो कंसिडर करेंगे, टाउ मैक्स दूसरे शाफ्ट के लिए और टाउ मैक्स पहले शाफ्ट के लिए. तो हमारे पास ये रेशियो होगा 16T2 बाई पाई D2 क्यूब दूसरे शाफ्ट के लिए, और 16T1 बाई पाई D1 क्यूब पहले शाफ्ट के लिए. बिकॉज टॉर्क सिमिलर है इसलिए टॉर्क कैंसिल होगा, यहां से टॉर्क सिमिलर है तो T1 और T2 मरेंगे, 16 बहुत दिनों से सेम है तो वो भी मरेगा, पाई भी मरेगा. आपको मिलता क्या है सर, आपको मिलता है बिकॉज ये D1 क्यूब और D2 क्यूब डिनोमिनेटर्स में है तो इनका रेसिप्रोकल मुझे मिलेगा, D1 क्यूब डिवाइडेड बाई D2 क्यूब. एंड देन आपको गिवन है दैट पहले जो भी डाया था उससे डबल हो गया डाया, पहले जो भी डाया था उसको आपने डबल कर दिया दूसरे सिनेरियो में, तो आपको ये मिल गया 1/8, इजंट इट. तो टाउ मैक्स दूसरे सिनेरियो के लिए क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स दूसरे सिनेरियो के लिए हो जाएगा टाउ मैक्स पहले सिनेरियो के लिए, पहले सिनेरियो के लिए टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय 8. पहले सिनेरियो के लिए टाउ मैक्स है 240 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज गोना बी 30 मेगा पास्कल. तो इस तरह से आपको 30 मेगा पास्कल आंसर मिल जाता है, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. सो ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम था, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, 2003 में आया हुआ. लेट अस नाउ गो अहेड एंड ट्राई सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट दे आस्क्ड इन 2006. ये फिर से एक फॉर्मेलिटी वाला प्रॉब्लम है, एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डाया डी है और उस पर टॉर्क टी आपने अप्लाई किया, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा. दिस इज येट अगेन अ फॉर्मेलिटी प्रॉब्लम, यू नो 16T बाई पाई डी क्यूब इज द आंसर. You know that tau max is nothing but 16T by pi d cube as far as solid circular shaft is concerned. So this was obviously very easy and formality type of question. Put the value, get the answer type of question. In fact, koi bhi value bhi nahi put karni hai, seedhe seedhe formula hi puch liya hai. Let us now try solving this problem that they asked in 2014.
2014 में ये प्रॉब्लम उन्होंने पूछा. इस प्रॉब्लम को पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं. दो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट्स हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2. ये रेडियस है ये ध्यान रखना, रेडियल पोजिशन और रेडियस में डिफरेंस है. और उनपे सेम टॉर्क अप्लाई किया आपने, तो उनके जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यूज हैं, वो tau1 और tau2 हैं. अभी R1 और R2 का रेशियो गिवन है, तो tau1 और tau2 का रेशियो क्या होना चाहिए ये पूछा है इन्होंने. तो फिर से ये बहुत आसान प्रॉब्लम है. लेट्स गो अहेड एंड ट्राई सॉल्विंग दिस. एक R1 और R2 का रेशियो है 2. सो गाइस, पहला शाफ्ट इज हैविंग बिगर रेडियस एंड द सेकेंड वन इज हैविंग स्मॉलर रेडियस. First one is having the radius R1 and the second one is having the radius R2. तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं tau max का जो भी फॉर्मूला है मेरे पास 16t/πd³, इसको डाया के बजाय मैं रेडियस में चेंज कर लेता हूं. यू नो डाया इज इक्वल टू नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो ये हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त 16t/π एंड 2 का क्यूब इज नथिंग बट 8. सो यू विल गेट 8 और 16, यहां से 2 मिलेगा, यू विल गेट 2t/πr³. नाउ लेट अस टेक द रेशियो. तो आपको सीमिंगली जो बहुत इजी प्रॉब्लम्स है वो भी आराम से अप्रोच करने हैं, क्योंकि गेट आपको अच्छा खासा टाइम देता है. गेट के कंपैरिजन में कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जहां पर इतना टाइम मिलता हो. अगर आप छोटी सी कैलकुलेशन करो, 65 प्रॉब्लम्स के लिए गेट आपको 180 मिनट्स देता है सर, व्हिच इज रफली अराउंड 3 मिनट्स पर प्रॉब्लम. ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको कभी भी 1 मिनट या 1.5 मिनट पर प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं अलॉट होता है. गेट इज गोइंग टू गिव यू ऑलमोस्ट 3 मिनट्स, रफली 3 मिनट्स टू अटेम्प्ट 1 प्रॉब्लम. एनीवेज, तो अभी मेरे पास tau max का फॉर्मूला है रेडियस के टर्म्स में. लेट मी नाउ टेक द रेशियो tau max फॉर शाफ्ट 1 एंड tau max फॉर शाफ्ट 2, एंड दिस रेशियो इज गोना बी 2t/2t1/πr³, एंड देन यू हैव 2t2/πr²³. बिकॉज उन्होंने बोला है कि सेम टॉर्क है, तो सेम टॉर्क है तो T1 और T2 मरेंगे, और 2 वो भी मरेगा और पाई भी मरेगा. तो आपको मिलता क्या है सर, आपको मिलता है tau max इन शाफ्ट 1, दिस इज शाफ्ट 1 एंड दिस इज शाफ्ट 2, एंड डिवाइडेड बाय tau max ऑफ शाफ्ट 2, एंड दिस इज गोना बी R2 cube divided by R1 cube. अभी R1/R2 आपको given है 2, तो R2/R1 हो जाएगा 1/2. R2/R1 is gonna be 1/2, and this you'll get the required ratio as 1/8. All right, the required ratio you'll get as 1/8. That means पहले shaft में कम stress develop होगा, दूसरे shaft में ज़्यादा stress develop होगा. पहले शाफ्ट में अगर स्ट्रेस डेवलप होगा 1, तो दूसरे शाफ्ट में सेम टॉर्क के लिए स्ट्रेस डेवलप होगा 8. अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे हो रहा है, टाउ तो बढ़ता है आर के साथ. फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको सिर्फ इसका इंट्यूशन बता रहा हूं, सिर्फ इस आंसर का इंफरेंस बता रहा हूं कि ये इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि सर आपको यहां से दिख रहा है कि शाफ्ट 1 में जितना भी स्ट्रेस होगा, शाफ्ट 2 में उसका 8 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेस होगा. तो इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है सर, बिकॉज़ दूसरे शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत कम है. इस दूसरे शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम है पहले शाफ्ट के कंपैरिजन में. इसमें आप जो एरिया यूज कर रहे हो दैट इज मच स्मॉलर, एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, जे वैल्यू इज मच स्मॉलर हियर. If the J value is much smaller here, then अगर आप Torsion equation से देखोगे, then if the J value is much smaller, you'll get more and more tau. You'll get more and more tau value, isn't it?
तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया 2014 में आया हुआ. Now let us try solving this problem that they asked in 2015 for one mark. As a fourth problem, ये particular problem solve करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने 2015 में पूछी. One mark problem है ये. एक stepped shaft है ABC और उसमें B पर इन्होंने B पर एक torque apply किया है. B पर they are applying a torque at B and the torque is 10 newton meter. B पर एक टार्क अप्लाई किया है, द टार्क इज 10 न्यूटन मीटर. बाकी B से C के बीच में कोई टार्क नहीं है, कोई कपल नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, दैट इज अनलोडेड. G की वैल्यू आपको गिवन है 77 गीगापास्कल. डायमीटर और लेंथ की वैल्यूज आपको डायग्राम में गिवन है. आपको उन्होंने पूछा है एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा C पर, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा C पर. तो सर एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला रिकॉल करो. एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्मूला TL बाई GJ. याद रखना बहुत आसान है अगर आपको PL बाई EA याद है तो. इफ यू रिमेंबर PL बाई EA देन इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस TL बाई GJ थिंग. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई यूजिंग इट हेयर. दैट थीटा उन्होंने पूछा है C पर. जब भी थीटा पूछेंगे तो एक बात आप याद रखना सर कि आपको रेफरेंस देखना होगा. मतलब C पर पूछा है तो कहां के रिस्पेक्ट में, और जब आपको कहां के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है वो ना मेंशन किया हो तो बाय डिफॉल्ट आप फिक्स सपोर्ट को रेफरेंस बना लोगे. बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू मेक द फिक्स सपोर्ट एज द रेफरेंस. तो आपको जब भी कुछ ना बोला जाए कि कहां के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है तो आप सर फिक्स सपोर्ट को रेफरेंस बना लोगे. ये जब भी आप थीटा आईजे ऐसा लिखोगे तो उसका मतलब होगा, जब भी आप थीटा आई जे लिखोगे तो उसका मतलब होगा आई का मतलब होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस और जे का मतलब होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. आई का मतलब होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहां के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो और जे का मतलब होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हो. सो ए के रिस्पेक्ट में सी पर कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं. दिस वी कैन ब्रेक इन टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी. थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी. अभी थीटा ए बी और थीटा बी सी दोनों को लिख सकते हैं. थीटा ए बी और थीटा बी सी दोनों को लिख सकते हैं टीएल बाई जी जे एंड टीएल बाई जी जे. सो दिस वी कैन राइट टीएल बाई जी जे एंड दिस वन ऑल्सो वी कैन राइट एज टीएल बाई जी जे. ऑल राइट. अब सर ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है अगर आप ए बी सेगमेंट की बात करो या फिर बीसी सेगमेंट की बात करो, ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है. लेट्स टॉक अबाउट ट्विस्टिंग मोमेंट वैल्यू. सो ट्विस्टिंग मोमेंट वैल्यू है क्या. ट्विस्टिंग मोमेंट वैल्यू बीसी सेगमेंट में अगर आप आइदर साइड का कंसेप्ट यूज करते हो तो बीसी सेगमेंट में कोई ट्विस्टिंग मोमेंट है ही नहीं. तो बीसी सेगमेंट में ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया जीरो. तो आपको सिर्फ ए बी सेगमेंट के लिए कैलकुलेशन करने हैं फर्दर. ए बी सेगमेंट में क्या है ट्विस्टिंग मोमेंट. ए बी सेगमेंट में वंस अगेन अगर आप आइदर साइड फॉलो करते हो एक तरफ से आने वाले सारे ट्विस्टिंग मोमेंट्स का सम, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ट्विस्टिंग मोमेंट है और वो ट्विस्टिंग मोमेंट है 10 न्यूटन मीटर का ट्विस्टिंग मोमेंट. वैसे वो नेगेटिव है लेकिन हमसे यहां पर मैग्नीट्यूड की बात की गई है बाय डिफॉल्ट, तो हम यहां पर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे 10 न्यूटन मीटर. मैं इसको न्यूटन एमएम में चेंज कर देता हूं. ए बी सेगमेंट के लिए लेंथ है 500 mm. ए बी सेगमेंट के लिए लेंथ है 500 mm और जी की वैल्यू आपको गिवन है 77,000 मेगा पास्कल और जे होता है पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाय 32. जे इज नथिंग बट पाई डी रेज्ड 4 डिवाइडेड बाय 32. इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ए के रिस्पेक्ट में सी पर एंगल ऑफ ट्विस्ट. पहले आपको रेडियन में मिलेगा वट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट इन रेडियन. You can then convert that value from radian to degrees. पहले आपको कुछ value radian में मिलेगी and then you can convert that value from radian to degrees. क्योंकि degrees में पूछा है sir angle of twist. जब भी आपको पूछा जाएगा please be very careful, क्योंकि अगर आपने सब कुछ सही किया और last में सिर्फ unit को लेकर आप careful नहीं रह पाए तो आपके सारे marks गए. तो अगर आप degrees में calculate करोगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है समवेयर अराउंड 0.2368 डिग्रीज.
as your final answer. So this is how you solve it. इस तरह से कोई भी stepped shaft होगा. तो angle of twist calculate करने के लिए आप ध्यान रखना. फिर से बता दूँ आपको, एक definite point of reference होना चाहिए और एक definite point of interest होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कहाँ के respect में और कहाँ पर angle of twist आप calculate कर रहे हो. फिर अगर different different segments हैं तो उनमें आप break कर दो superposition use करते हुए, कि AB segment के लिए अलग calculate कर लूँ मैं, BC segment के लिए अलग calculate कर लूँ और उनको sum up कर दूँ. Alright, और इसमें आपको साइन का ध्यान रखना है, जहां भी माइनस या प्लस है उसको आपको कंसिडर करना है. ये अलग बात है कि यहां पर फाइनल आंसर हमें रिपोर्ट करना था सिर्फ मैग्नीट्यूड. अब आप बोलोगे कि फिर फाइनल आंसर में माइनस या प्लस क्यों नहीं रिपोर्ट करना है. सर, फाइनल आंसर में माइनस या प्लस तभी रिपोर्ट करना है जब क्वेश्चन में कन्वेंशन गिवेन हो दैट थंब बाहर जाएगा तो पॉजिटिव और थंब सेक्शन की तरफ आएगा तो निगेटिव. क्योंकि कन्वेंशन तो आपकी अपनी हो सकती है ना. हो सकता है कोई थंब बाहर जाता हुआ पॉजिटिव और थंब अंदर आता हुआ नेगेटिव ले, हो सकता है कोई थंब अंदर आता हुआ पॉजिटिव और बाहर जाता हुआ नेगेटिव ले. तो जब तक आपको क्वेश्चन में कन्वेंशन ना मेंशन की गई हो. एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है तो निगेटिव इंडिकेट करो, टेंसाइल स्ट्रेस है तो पॉजिटिव भी इंडिकेट करो आंसर में. तो आंसर में आपको साइन, तब तक इस तरह के प्रॉब्लम्स में आंसर में आपको साइन नहीं इंडिकेट करना है जब तक आपको कन्वेंशन मेंशन ना की हुई हो कि ये साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है. ओके नाउ, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दैट वन मार्क प्रॉब्लम दे आस्क्ड इन 2015. अभी चलते हैं इस 2016 प्रॉब्लम पर. यहां पर सर दो हॉलो शाफ्ट हैं और इन दो हॉलो शाफ्ट के एरियाज इक्वल हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है दोनों हॉलो शाफ्ट्स के. और ऐसा गिवेन है कि R3 R4 जो है वो रिस्पेक्टिवली R1 R2 से बड़े हैं. R3 और R4 आर ग्रेटर देन R1 एंड R2. R3 इज ग्रेटर देन R1 एंड R4 इज ग्रेटर देन R2. और आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया या फिर टॉर्सनल रिजिडिटी कंपेयर करनी है. ये इससे आसान क्वेश्चन सर और कुछ भी नहीं हो सकता. लेट मी टेल यू क्यों. क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, आप जानते हो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज नथिंग बट फंडामेंटल डेफिनेशन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. अब एरिया है दोनों में सेम, लेकिन डिस्टेंस कहां पर ज्यादा है. यू थिंक अबाउट इट. मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फंडामेंटल डेफिनेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, या फिर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फंडामेंटल डेफिनेशन होता है एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. अभी एरिया दोनों ही सिनारियोस में इक्वल गिवन है आपको, लेकिन डिस्टेंस कहां पर ज्यादा है, कहां पर आपने उस एरिया को दूर रखा है. नेचुरली दूसरे सिनारियो में आपने एरिया को दूर रखा है. सो J2 इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर देन J1. J2 इज गोइंग टू बी मच मोर देन J1. एंड J2 इज गोइंग टू बी मच मोर देन J1, देन J2 और J1 का रेशियो हो जाएगा क्या. J2 और J1 का रेशियो हो जाएगा मोर देन 1. And this is how you complete it. Option first one is the correct one. So guys, this was a 2016 problem, a very fundamental and a very conceptual problem. इसमें कहीं भी कोई भी टेक्निक आपको बड़ी सी नहीं यूज करनी है, कोई एलाबोरेट एनालिसिस नहीं है. जस्ट आपको अगर फंडामेंटल डेफिनेशन मालूम है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया की, देन यू कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक अ प्रो. Let us now try solving this 2017 problem that they asked for 1 mark. ये 1 mark में आया हुआ 2017 का problem. एक solid circular shaft है जो 40 kilowatt की power transmit कर रहा है. एक solid circular shaft है जो 40 kilowatt की power transmit कर रहा है at 500 rpm. अभी diameter given है आपको shaft का, diameter है 40 mm. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट. ये बहुत आसान है, आप जानते हो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है शाफ्ट में 16t बाई पाई डी क्यूब. टॉर्क डायरेक्टली देने के बजाय उन्होंने पावर और आरपीएम दिया हुआ है, तो वहां से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो. आई होप आप पावर फॉर्मूला जानते हो. 90% ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस पावर फॉर्मूला 2πNT/60. मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ये बहुत यूज होता है फार्मूला. तो यहां से टॉर्क आप लिख सकते हो 60 p
divided by 2 pi n, और ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करो देन आपको tau max मिल जाएगा सर, देन यू गेट tau max वैल्यू एज 16 इंटू टार्क को आप रिप्लेस कर दो 60 पी डिवाइडेड बाई 2 पाई एन, सो 16 टी बाई पाई डी क्यूब, ये है फाइनल फॉर्मूला। अभी सारे वैल्यूज आपको मालूम है, यू विल हैव टू जस्ट पुट देम टुगेदर, आपको ये सारे वैल्यूज रखने हैं बस। पावर की वैल्यू है 40 किलोवाट, आई एम चेंजिंग इट टू वाट, मैं इसको वाट में चेंज कर देता हूं, एंड देन वाट में चेंज करने के बाद भी आपको टॉर्क मिलेगा न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर नहीं चाहिए मुझे। माइंड इट दैट जब यहां आप पावर को वाट में रखोगे सर, तो आपको टॉर्क मिलने वाला है न्यूटन मीटर में, ओके, बट न्यूटन मीटर नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए न्यूटन एमएम, सो आई एम गोना चेंज इट फर्दर, मैं इसको न्यूटन एमएम में चेंज कर देता हूं। आरपीएम आपको गिवन है 500 और डाया भी गिवन है, डाया वैल्यू इज गिवन टू यू, डाया गिवन है 40 एमएम, तो यहां से आप इसको अभी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गोइंग टू गेट, आप सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे, देन कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलने वाली है सर 60.79 मेगा पास्कल। कांग्रेचुलेशंस, यू गेट 1 मार्क एंड यू कंप्लीट दिस। नेक्स्ट सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, 2004 में आया हुआ ये 2 मार्क्स प्रॉब्लम, स्टेप्ड शाफ्ट है, यहां पर शाफ्ट दोनों तरफ फिक्स है, तो नेक्स्ट सेशन में आप समझोगे कि दोनों तरफ अगर फिक्स है शाफ्ट तो आपको क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है। 2005 में आया हुआ प्रॉब्लम है ये, फिर से ये दोनों तरफ फिक्स है शाफ्ट, ये पर्टिकुलर शाफ्ट दोनों तरफ फिक्स है, तो दोनों तरफ अगर शाफ्ट फिक्स होगा तो क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है आपको, दिस इज अ 2009 प्रॉब्लम, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स दिस इज अ 2011 प्रॉब्लम जो अगेन एक स्टेप्ड शाफ्ट को लेकर है, एंड देन वी हैव दिस 2012 प्रॉब्लम जहां पर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह यूज करना है, एंड देन वी हैव दिस 2015 प्रॉब्लम वंस अगेन जहां पर एक हॉलो शाफ्ट को लेकर बात की गई है, एंड देन वी हैव दिस 2016 प्रॉब्लम जहां पर एक लीवर यूज करके ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया जा रहा है, तो किस तरह से हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन माय डियर फ्रेंड्स वी हैव, लाइक यू नो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम टॉर्सनल लोडिंग, एंड एक एक क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दैट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स खुद से आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवरेज मिलेगी, और ये एक यू नो कॉन्फिडेंस देता है अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हो तो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट इट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब मैं आपको 2 मार्क्स प्रॉब्लम सॉल्व कर, बेल आइकन हिट करो सो दैट आपको मेरे नेक्स्ट सेशन का और उसके आगे आने वाले सारे सेशंस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आपकी गेट की लर्निंग को अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पर्टिकुलरली, देन आपकी गेट की लर्निंग को आप अनअकैडमी के थ्रू डायरेक्ट करो, एंड यूज माय कोड टू सब्सक्राइब फॉर इट, मेरा कोड यूज करो सर आप वहां पर सब्सक्रिप्शन के लिए, एमटी लाइव टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू ऑफर इवन मोर डिस्काउंट, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।